हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रेनू ब्यूटी पार्लर में। आज हम बहुत ही सुंदर और सिंपल और इजी तरीके से ब्राइडल हेयर स्टाइल बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले बालों में हमने कॉम कर ली है और फ्रंट से हमने पफ बनाने के लिए फ्रंट से बाल उठाए हैं। इसमें हम फ्रंट पफ कैसे बनाते हैं तो ये देखिए, हमने बाल पफ के बाल ले लिए हैं और अच्छी तरीके से कॉम कर लिया है। और इसको बिल्कुल बिल्कुल हम सीधा पकड़ लेंगे स्ट्रेट। और ये हमने डोनट में से नेट काटा है और पफ के बालों में इस तरीके से पफ के बालों को उठाकर उसके नीचे हमने नेट लगा दिया है और बहुत सुंदर पफ बन के तैयार हो जाता है और काफ़ी जल्दी भी बन जाता है इस तरीके का पफ। और ये हमने देखिए इस तरीके से फिनिशिंग लुक देते हुए इस तरीके से बालों को हम फैला देंगे और टेल कॉम की मदद से हम इस तरीके से आगे से थोड़ा सा पफ उठाएंगे और हल्का सा फोल्ड करके आपको जितना भी हाई पफ रखना है तो आप रख सकते हैं। और ये हमने बॉब पिनों से सेट कर दिया है। दो पिन हमने इस साइड लगाएंगे और दो उस साइड पिन लगाएंगे जिससे कि हमारा जो पफ है वो हिलेगा नहीं। अब ये देखिए सेंटर में से पफ बन गया है। अब हम इसी तरीके से साइड के जो बाल हैं इसको भी उठाएंगे और हल्की सी बैक कॉमिंग करेंगे। और ये मैं विदाउट स्प्रे के पफ बना रही हूँ, इसमें हमने स्प्रे का यूज़ नहीं किया है। और इस तरीके से साइड के बालों को भी उठाकर हम पफ के साथ मिलाते हुए बैक साइड से इस तरीके से पिनों से अटैच कर देंगे। और इसी तरीके से दूसरी साइड से भी हम पफ के बाल लेंगे। देखिए इस तरीके से हम दूसरी साइड के भी बालों में हल्की सी बैक कॉमिंग करेंगे और बैक साइड हम इस तरीके से पिनों से अटैच कर देंगे। अब आप देखिए ये फ्रंट से पफ बन गया है। अगर थोड़ी सी कमी रह जाती है तो आप फिंगर की मदद से इस तरीके से सेट कर सकते हैं। और हमने बैक साइड से पूरे बालों को ले लिया है और अच्छी तरीके से कॉम करते हुए हमें हाइट पर पोनी बनानी है। देखिए हाई पोनी बनानी है और इस तरीके से हमने दो ब्लैक रबड़ ली हैं और ऊंची सी हम पोनी बना देंगे। इसको हम टाइट कर देंगे रबड़ से। ये देखिए हमने पोनी बना के टाइट कर दिया है क्योंकि ब्राइडल वगैरह के थोड़े हाइट पर जुड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि दुपट्टा वगैरह आता है तो वो अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। अब हमने ये डोनट लिया है और जो हमने पोनी बनाई थी उसके ऊपर हम डोनट को सेट करेंगे। कम से कम 4-5 पिनों से हमने डोनट को सेट कर दिया है। अब हमने जो पोनी के बाल हैं उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। ये देखिए इस तरीके से एक भाग हमने लेकर इस तरीके से हम डोनट को कवर कर देंगे बालों को फैलाते हुए। और अच्छी तरीके से ये देखिए ये हमने डोनट को कवर कर दिया है और बहुत ही जल्दी ब्राइडल हेयर स्टाइल बन जाता है और काफ़ी सुंदर भी लगता है। ये देखिए ये हमने डोनट को कवर कर दिया है। अब हम इसको जुड़ा पिन की मदद से यू पिन की मदद से सेट कर देंगे। और इसमें अब हम ये देखिए जो ऊपर के बाल जो बचे थे उसको हमने इसी के अंदर ही हाइड कर दिया है। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये जूड़े का बेस बन गया है। अब हम जो हमारे जो बाल बचे हैं पोनी के तो उसको हम इस तरीके से हल्का सा रोल करते हुए और इसके ऊपर हम इस तरीके से सेट करते जाएंगे। और इसी तरीके से हम जो ये बाल बचे हैं सारे बालों को हम इसी तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसको इसी तरीके से यूपिन से सेट करेंगे। और आप शुरू से एंड तक वीडियो देखें। ये देखिए इस तरीके से हम पूरे बालों को इस तरीके से कवर कर देंगे तो आप देखेंगे काफ़ी सुंदर ब्राइडल हेयर स्टाइल बनेगा। और फिर हम हेयर एक्सेसरीज से उसको डेकोरेट करेंगे। और लॉकडाउन लगा हुआ है तो आप घर पर बैठकर ही हेयर स्टाइल वगैरह सीख सकते हैं।
और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं हेयर स्टाइल बता रही हूँ। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और बताइए कि आपको हेयर स्टाइल कैसा लगा। थैंक यू।